पब्लिक प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और एक डिफॉल्ट है। ठीक है, पब्लिक की अगर हम बात करें, जैसे अब एरियाज क्या क्या हो सकते हैं, वैसे इसके लिए ना बड़ा अच्छा एग्जांपल हमें मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर ही, हम इजी हो जाएगा आपको बताना। ये लो इधर आ गया, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और आपका पब्लिक। ठीक है, तो अगर पब्लिक की बात करते हैं हम, पब्लिक आपका विद इन क्लास तो हम देख चुके हैं ये होता है। ठीक है, आउटसाइड पैकेज, आउटसाइड पैकेज मतलब एक क्लास है जो दूसरे पैकेज में रखी हुई है, वहां पर एक्सेस कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों जगह कर सकते हो आप। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड आपका आउटसाइड पैकेज तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका एक सिनेरियो जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ वो बताता हूँ मैं। विद इन विद इन सेम क्लास यू कैन डू दैट। चाइल्ड क्लास होता है ना सर? आउटसाइड पैकेज आउटसाइड पैकेज यूजिंग इनहेरिटेंस, तो आप इनहेरिटेंस का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, ये तो यस है। ठीक है, दूसरा प्रोटेक्टेड आपका है तो यस है। ठीक है, डिफॉल्ट आपका जो है, डिफॉल्ट को हम पैकेज स्कोप भी बोलते हैं। पैकेज स्कोप मतलब आप जो आप बना रहे हो, जिस चीज को आप डिफॉल्ट बना दे रहे हो मेंबर को, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पैकेज तक एक्सेस है। कि लेट से आपने कॉम के अंदर बनाया, तो कॉम के अंदर जितनी क्लासेस हैं वो सारी इसको देख सकती हैं, वो सारी इसको यूज कर सकती हैं डिफॉल्ट को। प्राइवेट का विद इन क्लास ही हो सकता है आपका, आउटसाइड क्लास या आउटसाइड अदर पैकेज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिफॉल्ट नो। और प्राइवेट, प्राइवेट की तो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, क्या कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक उसके अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई करते हैं, हम ये लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दी है, कोई और लिंक देखता हूँ मैं। सर वो राइट क्लिक वाला एक चार्ट है, इस पे आप इमेजेस पे देखेंगे तो देख जाएगा आपको। सेम पेज के ऊपर ही है, कौन से वाला देख रहे हो आप? ये शायद ही अच्छा लग रहा है मेरे को। पब्लिक आपका देखो, ये वाली इमेज देख लेते हैं, ये ठीक लग रही है। अरे ये तो कहीं और ही ले आया, चलो हम यहीं से रेफर कर लेते हैं इसको। तो हाँ सर, यहीं पे बता दो। पब्लिक है, तो पब्लिक आपका देखो सेम क्लास के अंदर, इसको मैं सेम कर देता हूँ। सेम क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है, सेम पैकेज और आउटसाइड पैकेज, तो ये इसको तो ये मानो कि सब जगह यस यस आएगा इसका। ठीक है, और प्राइवेट का भी सिंपल फंडा है, रखना याद आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास के अंदर एक्सेस होगा। ठीक है, बाकी सब में नो होगा। डिफॉल्ट आपका सेम क्लास और अदर क्लासेज इन सेम पैकेज, तो इसको आपको क्या बोल सकते हो, पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं जहां पर आप ये बना रहे हो सब कर सकते हैं यूज। ठीक है, प्रोटेक्टेड आपका पैकेज प्लस इनहेरिटेंस, बात समझ आ रही है? देखो इसमें एक एक एक्स्ट्रा है, वाई डिफॉल्ट से, समझ आई बात? तो ये चार चीजें हैं भाई एक्सेस मॉडिफायर में, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। इनहेरिटेंस मैंने पढ़ाया नहीं आपको, मैं बताऊंगा तो वहां पर आपको बता दूंगा ये वाली चीज प्रोटेक्टेड की। क्लियर हो गया आपको एक्सेस मॉडिफायर? हेलो, सर यस सर।
गुड। ये वाला और भी अच्छा है, अगर आप ये वाला देखो तो देखो इन्होंने और थोड़ा सा क्लियर कर दी चीज कि आपके सेम पैकेज के अंदर क्लास, सब क्लास, नॉन सब क्लास, पब्लिक पब्लिक के अंदर देखो सब जगह ग्रीन है ना, सब जगह पब्लिक आपका ग्रीन दिख रहा है। प्राइवेट सेम पैकेज सेम क्लास यस, बाकी सबके लिए नो। फिर आपका प्रोटेक्टेड सेम पैकेज सेम क्लास यस, सब क्लास यस, नॉन सब क्लास यस, क्योंकि आपका कैसा है ये प्रोटेक्टेड है। डिफरेंट पैकेज सब क्लास यस, नॉन सब क्लास नो। दूसरे पैकेज में एक्सेस होगा लेकिन कैसे, चाइल्ड क्लासेस के अंदर, अदर क्लासेस में नहीं हो पाएगा। फिर आपका डिफॉल्ट सेम पैकेज सेम क्लास यस, सेम पैकेज सब क्लास यस, सेम पैकेज नॉन सब क्लास यस, बाकी डिफरेंट पैकेज में आप इसको नहीं कर पाओगे। तो ये वाला आप एक बार नोट कर लेना, जो इधर खुला हुआ है ना अभी मेरे पास, ये इसका लिंक भी आपको दे देता हूँ। हाँ वैसे तो आप वीडियो से देख के भी कर सकते हो रेफर, ठीक है, क्लियर है गाइस ये? यस सर। चलिए ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे कि आप मेथड बना रहे हो, ठीक है, उनको कॉल किस किस तरीके से कर सकते हो। आपके दो तरीके मैंने बताया था मेथड हो सकते हैं, जब आप सेम क्लास के अंदर कर रहे हो तब आप कैसे कर सकते हो, जब आप नॉन सब क्लास के अंदर है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक कैलकुलेटर टेस्ट क्लास है और एक यूटिल क्लास है और एक ग्रीटिंग क्लास है, ठीक है, इसमें तो मैं सिर्फ यूज करूंगा। अब ये जो क्लास आपकी है कैलकुलेटर यूटिल, लेट्स से इसके अंदर ही कोई मेथड है, इसके अंदर ही मेन मेथड मैंने लिख दिया, ठीक है, और मैं क्या कॉल कर रहा हूँ मेन के अंदर, मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, सम को, और मैं इधर से पास कर रहा हूँ 10, 20। ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इंट आर ई एस आप रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया। सेम क्लास के अंदर आप अपने ही मेथड को कॉल कर रहे हो, दोनों क्या है स्टैटिक, ये भी स्टैटिक ये भी स्टैटिक, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, ठीक है। अगर ये नॉन स्टैटिक होता, लेट्स से अभी ये कैसा है नॉन स्टैटिक, क्या इसको आप ऐसे कर पाओगे कॉल डायरेक्ट, नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, आपको बनाना क्या पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर यूटिल, ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, अब आप कर सकते हो ओबीजे डॉट सम, इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। हाँ अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं क्या, कि यहाँ पर मेरी इस क्लास के अंदर void print sum method है, कौन सा method है, print sum, और ये क्या करता है, ये सम मेथड को कॉल करता है, ठीक है, कैसे कॉल करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहीं पर लिख देता हूं न्यू, क्योंकि सम मेथड कैसा है नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए हमें, है ना, न्यू कैलकुलेटर यूटिल डॉट सम, और मैंने ये 10, 10, 20 का सम मुझे सपोज करवाना है, ये मैंने करवा दिया, ठीक है। अब यहां पर जो आप काम कर रहे थे ये हटा दिया मैंने, क्या बताना था मेरे को इसमें, हाँ ये आपने कॉल किया, सॉरी 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 इसकी जरूरत नहीं थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फिर ये तो वही बात होगी जो ऊपर कर रहे थे। अब देखो ये मेथड है void sum, सॉरी void print sum, इसको जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए, ये मेथड ये करवा पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है नॉन स्टैटिक और ये भी कैसा है नॉन स्टैटिक, मतलब जब आप कभी इसको कॉल करोगे या इसको कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट तो बनाओगे ही आप, और ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये दोनों मेथड कैसे हैं, ये आपके नॉन स्टैटिक मेथड है, और इनको क्या बोल सकते हैं हम, इंस्टेंस मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये जो है आपका पार्टिसिपेट करेंगे इसमें,
आपके इंस्टेंस के ऊपर ये काम करेंगे, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें हैं उसके ऊपर ये काम करेंगे, ये भी सेम करेगा। ठीक है, अब आप जब कॉल करने जा रहे हो तो आपको तो कैलकुलेटर तो बनाना पड़ेगा। आपने कहा न्यू ऑब्जेक्ट बनाया आपने और आपने कहा प्रिंट सम, ये वही काम करेगा जो पहले आपका प्रिंट सम मेथड से, पहले हम सम से डायरेक्टली करवा रहे थे, सेम तरीके का काम। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर जब आप दो नॉन स्टैटिक मेथड रखे हुए आपने, तो एक नॉन स्टैटिक मेथड दूसरे नॉन स्टैटिक को डायरेक्टली कॉल कर सकता है विदाउट ऑब्जेक्ट, बात समझ आई। बट अगर एक क्लास के अंदर आपका स्टैटिक मेथड है, ठीक है, और वो किसी नॉन स्टैटिक को कॉल करना चाहता है, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा सिनेरियो क्या आता है, देखो ये दो तीन मेथड आपने यहाँ पर रखे हैं, एक स्टैटिक है, दो नॉन स्टैटिक है, बात समझ आ रही है। अब आते हैं कैलकुलेटर टेस्ट के ऊपर। अब ये देखो सम मेथड, क्योंकि सम मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक, तो आप डायरेक्टली तो यहाँ कॉल कर नहीं पाओगे इसको, बोल रहा है यहाँ पर कि आप इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, किस कौन सी क्लास थी ये, कैलकुलेटर यूटिल, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट, कैलकुलेटर यूटिल और ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर यूटिल, ठीक है, और ये सब मैं भी ओबीजे से कॉल करूंगा, ओबीजे, ठीक है। अभी आप कर सकते हो, दूसरी क्लास के अंदर आप जब नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो, तो आपने पहले क्या किया, सबसे पहले तो आपने वो क्लास इंपोर्ट की, ठीक है, फिर आप उसको ऑब्जेक्ट बनाया आपने उसका, और फिर आप मेथड को कॉल कर पा रहे हो। एक चीज और नोटिस करनी है, आपकी जो क्लास आपने बनाई थी कैलकुलेटर यूटिल, ये देखो ये कैसी क्लास है, पब्लिक, अगर ये पब्लिक नहीं होगी तो ये इधर दिखेगी नहीं, ये बोलेगा भी आपको देखो इधर इज नॉट विजिबल, दिख रहा है, तो यही था मॉडिफायर बताने का पर्पस, राइट, कि भाई आपकी क्लास जो है वो विजिबल नहीं है, अभी विजिबल कर दिया मैंने, वापस आऊंगा कैलकुलेटर टेस्ट में तो अभी दिख रही है। अब इस क्लास का मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक मेथड रहने देता हूँ, इसको मैं डिफॉल्ट बना देता हूँ। तो डिफॉल्ट का स्कोप क्या होता है, विद इन पैकेज, अभी फिर ये बोल रहा है कि सम मेथड विजिबल नहीं है, द मेथड सम इज नॉट विजिबल, लास्ट टाइम बोल रहा था क्लास इज नॉट विजिबल, समझ आ रही बात, yes, sir. तो इस तरीके से आप कॉल करोगे, वापस से इसको कर देता हूं मैं पब्लिक, कैलकुलेटर यूटिल ऑब्जे न्यू कैलकुलेटर यूटिल ऑब, ठीक। अब आता है नॉन स्टैटिक की बारी, नॉन स्टैटिक के लिए हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए, भाई हमारे पास कैलकुलेटर यूटिल के अंदर एक मेथड है जिसका क्या नाम है, मेन, क्या नाम है उसका, मेन, तो मैं कॉल कर सकता हूँ, कैसे करेंगे कॉल, ऐसे मैंने अभी किया है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये मेन मेथड कॉल कर रहा है किसका, इस क्लास का, ठीक है, फिर इसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रिंट सम कॉल करते हैं, प्रिंट सम क्या है, ये कॉल करता है किसको, सम मेथड को, मतलब चेन समझ आई आपको, yes. मैंने आपको स्टैक बताया था कि कॉलिंग स्टैक में कैसे होती है ना, तो वो मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक, ये आपकी कैलकुलेटर टेस्ट में इसको सीटी बोल देता हूँ, ठीक है, सीटी क्लास का आपने मेन मेथड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जब सीटी क्लास का मेन मेथड एग्जीक्यूट किया आपने, आपको एक वहां पर इंस्ट्रक्शन मिली जो कि क्या कहती है कि कैलकुलेटर यूटिल के मेन मेथड को कॉल करिए, तो आपका जो मेन था सीटी क्लास का ये पॉज हो गया, आप स्टैक में कौन आ गया ऊपर, कैलकुलेटर यूटिल का मेन मेथड आ गया, फिर यहां पर आपको देखो ये लाइन मिली प्रिंट सम, तो प्रिंट सम आ गया ऊपर, अभी इसका एग्जीक्यूशन पॉज हो गया, जब प्रिंट सम में आया तो यहाँ एक और कॉल मिली किसकी, सम की, 10:20, मतलब ये कॉलिंग आ गई है यहाँ पर, ठीक है, अभी जब कॉलिंग हुई यहाँ पर अपना इसने कॉलिंग वॉलिंग करी, खत्म हो गया ये स्टैक से हट गया, अब इस बारी किसकी है, इसकी, ठीक है, फिर इसकी बारी है, अब ये भी खत्म, तो ये भी खत्म, तो ये जो हम रखते जा रहे थे इनको हम क्या बोल रहे थे, पुश, ये हम पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर, और इधर से जब ये निकला बाहर तो क्या हुआ, पॉप बोलते हैं, पॉप, ठीक है, पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे हम थोड़ा आगे, बहुत ज्यादा नहीं आता मेरे को, जितना आता है वो समझाऊंगा मैं आपको,
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कॉलिंग होती है भाई, स्टैक के ऊपर कॉलिंग होती है। एक मेथड जब दूसरे मेथड को कॉल करता है तो उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है जिसने कॉल किया, और जिसको कॉल किया उसका शुरू हो जाता है एग्जीक्यूशन। समझ आई बात? यस सर। डाउट है क्या? यहाँ से एक चीज आपने नोटिस करी होगी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम एक क्लास का मेन मेथड दूसरी क्लास से कॉल कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। ठीक है, हम एक क्लास से दूसरी क्लास का मेथड कॉल कर सकते हैं। अब जिसने वो वीडियो देख ली है, वो जो मैंने भेजी थी, एक साउथ इंडियन बंदा है वो कुछ बता रहा है उसमें, तो इसको भी आप थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ, ये मतलब कैसे काम करता है ये स्टैटिक का मतलब? भाई हम जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम ये लिखते हैं जावा, और फिर हम लिखते हैं क्लास का नाम, लेट से हमारी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो जेवीएम है वो क्या करता है, वो किसको ढूंढता है? वो ढूंढता है इस क्लास के अंदर मेन मेथड को, ठीक है, जिसका की सिग्नेचर कैसा हो, इस तरीके का सिग्नेचर हो। इसमें मैंने बताया था क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, स्टैटिक पब्लिक कर सकते हो आप, इन दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हो, आप उसमें चल जाएगा, वॉइड मेन एज इट इज रहेगा आपका। स्ट्रिंग की एरे भी आपको पास करनी पड़ेगी कि आप ए आर जी एस को यहाँ ए बी सी डी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एरे होना चाहिए, या आप यहाँ पर तीन डॉट देंगे ये भी चलेगा आपका। ठीक है, स्टैटिक क्यों रखा? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, अभी ऑब्जेक्ट है ही नहीं पिक्चर में। हम किसको कॉल कर रहे हैं? हम तो टेस्ट को कॉल कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर किसको ढूंढेगा जेवीएम? मेन मेथड को। किसको ढूंढेगा? मेन को। कौन सा मेन? मेन यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं, वो मेन जो स्ट्रिंग की एरे लेता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग का एरे क्यों रखा, कोई और एरे क्यों नहीं रखा इसके अंदर? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, जितने भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड में देख सकते हो सब आते हैं कि इसमें आपके स्ट्रिंग में, बाकी नहीं आते हैं। ठीक है, स्टैटिक रखने का पर्पस क्या था? पब्लिक का रखने का पर्पस क्या था? क्योंकि बाहर से कॉल होता है ये मेन मेथड, ये किसी और किसी क्लास के अंदर से कॉल नहीं कर रहे हो आप, कहीं बाहर से किसी और प्रोग्राम के थ्रू आप इसको कॉल कर रहे हो। जब आप लिख रहे हो जावा तो ये जेवीएम इनिशिएट करता है। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो जेवीएम के साथ आपको मिलता है, ये आपके प्रोग्राम को, प्रोग्राम के मेन को कॉल करता है। ठीक है, इसलिए ये पब्लिक है, क्योंकि आप कोई अभी ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहे हो, इसीलिए ये स्टैटिक है। ठीक है, बात समझ आई? फुल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन समझ आया भाई? जी सर। बाकी ना ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन उस बुक में भी दी हुई है, मैं बहुत बार आपको बोल रहा हूँ कि वो बुक अगर नहीं ली है तो ले लो, बड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, फिर ये वाली बात भी करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये क्या है? सिस्टम क्या है? देखो सिस्टम एक क्लास है, ठीक है, आउट क्या है? आउट एक मेंबर वेरिएबल है। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक क्लास में मैंने स्टूडेंट बनाई और उसमें मैंने रख लिया, स्टूडेंट में क्या रख लिया मैंने, इंटीजर रोल नंबर रख लिया। तो रोल नंबर क्या हुआ? रोल नंबर एक मेंबर हुआ किसका? स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने क्या किया, सिस्टम क्लास ने इन्होंने एक मेंबर बनाया किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, उसका नाम आउट रख दिया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपके सिस्टम क्लास है। देखो सिस्टम क्लास दिखी है आपको, यहाँ देखो आप इधर ये डॉट क्लास दिख रही है, मतलब ये ऑलरेडी हमें क्लास एज ए क्लास मिली हुई है, इसका जावा नहीं है हमारे पास, डॉट क्लास फाइल है हमारे पास इसकी सिर्फ। और ये देखो आप, मैं बता रहा था ना आपको कि प्रिंट स्ट्रीम एक वेरिएबल बनाया हुआ है इन्होंने, इसका नाम क्या रखा हुआ है? आउट। ठीक है, अब अगर मैं इस क्लास के अंदर जाऊं तो यहाँ आपको मेथड दिखेंगे, सिस्टम प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, आपको सारे मेथड दिखेंगे, प्रिंट एलएन, प्रिंट लाइन, प्रिंट, ये देखो ये सारे दिख रहे हैं आपको, प्रिंट कैर, प्रिंट इन, मतलब आप इसमें कुछ भी डालते हो प्रिंट हो जाता है। वॉइड वॉइड के लिए नहीं है, तो आप वॉइड प्रिंट नहीं कर सकते इसके अंदर। समझ आ रही भाई बात? देखो वापस जाता हूँ मैं, आपको थोड़ी क्लियर हो गई होगी चीज, अगर नहीं हुई तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सिस्टम इज अ क्लास, इस क्लास के अंदर क्या है, एक आउट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, किस टाइप का है? प्रिंट स्ट्रीम टाइप का। फिर उसके अंदर एक और क्या है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर एक मेथड है प्रिंट एलएन, ठीक है, उसको आप कॉल कर लो। या सिंपल सा मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा,
आपने एक और चीज यहाँ नोटिस करी इसके ऊपर आउट के कि ये जो है ना ये स्टैटिक है इसलिए डायरेक्टली आप कर पा रहे हो यूज, देखो स्टैटिक है कि नहीं है ना। यस सर यस सर यस सर अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन सा सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी और कल को जब मैं ऐसे ऑप्स पढ़ाने लगूंगा तो मेरा एक और काम इजी हो जाएगा अगर आपको ये चीज अभी समझ में आती है तो। आपके पास क्लास है भाई, ठीक है स्टूडेंट। अभी तक मैंने जो आपको बताया था मैंने कुछ इस तरह की चीजें तो बताई थी आपको, इंट रोल आई डी, सॉरी इंट आई डी, ठीक है, और नेम, ठीक है, और ये तो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में एड्रेस रख लो आप, बट अगर हम एड्रेस की बात करें तो अपने आप में क्या है एड्रेस, अपने आप में एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एड्रेस के अंदर है, तो इसको हम एक अलग क्लास बनाते हैं। देखो कैसे, म्यूट कर लो, कौन है एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, एक वेरिएबल बनाया एड्रेस, किस टाइप का है ये, एड्रेस टाइप का, तो मतलब एड्रेस क्या है, एड्रेस एक और क्लास है, आप अपने ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जितना भी ज्यादा ब्रेक कर सकते हो, जितने भी ज्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो उतना इजी हो जाएगा प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन करना, ठीक है। तो आपने एड्रेस को अलग ब्रेक कर दिया, कैसे, इंटीजर पिन, स्ट्रिंग सिटी, स्टेट, कंट्री और स्ट्रीट, मतलब बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो, ठीक है। अब इनके इनके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या बनाओगे, सेटर गेटर बनाओगे, सेटर गेटर समझ आ गए थे आपको कैसे बनाते हैं? यस सर। देखो मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस का एक रैपर बना लिया, मैंने रैपर समझाया था, रैपर क्या होता है, या बैग बना लिया मैंने जिसमें एड्रेस की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अब इस बंदे के अगर दो एड्रेस है तो मैं क्या करूंगा, इधर एड्रेस की एरे बना दूंगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, रख लो जितने मर्जी फिर इसमें एड्रेस, अगर एक ही है तो अभी एरे की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो अभी। अब लेट्स से इधर मेरे सेटर गेटर हैं सब, इधर भी मेरे पूरे सेटर गेटर हैं, मुझे एड्रेस में कुछ निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एस, एस डॉट गेट एड्रेस, इससे क्या मिलेगा, एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एड्रेस के ऑब्जेक्ट से पिन निकालना है, गेट पिन, ये सेम चीज हो रही है यहाँ पर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। कैसे भाई, आपके पास एक क्लास है सिस्टम जिसके अंदर के क्या है, एक आउट नाम का वेरिएबल है, और आउट नाम का वेरिएबल आगे कोई प्रिंट नाम का मेथड कॉल करता है। मैं ये वाली चीज क्लियर हुई, अभी मैं उसको फिर वापस लेके आता हूँ, अगर ये चीज क्लियर हुई तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्लियर है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. आपकी सिस्टम क्लास है, यहाँ पर आपने देखा पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम और आउट है कि नहीं, ठीक है, और इधर आपकी प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, क्लास प्रिंट स्ट्रीम, क्लास ये, और यहां पर मेथड कौन सा है, प्रिंट एलन, इसको आप यूज कर रहे हो कैसे, सिस्टम का आउट, क्योंकि स्टैटिक का डायरेक्टली कॉल कर लिया आपने, फिर प्रिंट एलन। अब आ गया समझ कैसे चेन बनी हुई है ये? यस सर। चलो गुड,
और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मैं आज और क्या डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सेस मॉडिफायर देखे हमने, हमने पैकेज देखा, हमने ये डिस्कशन देखा।